आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात के भोगनीपुर में चोरी की रिपोर्ट पर आरोपी की तलाश में गांव गए दारोगा ने गांव के ही एक युवक से आरोपी के घर ले जाने की बात कही। युवक ने गांव का मामला होने पर साथ में जाने से मना कर दिया, जिसे गुस्साए चौकी इंचार्ज ने युवक के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। गाली का विरोध करने पर पुलिस ने युवक की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, युवक बचाने आई उसकी माँ को भी पुलिस वालों ने पीट दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वही कानपुर देहात एसपी केशव चौधरी पूरे मामले को सिरे से खारिज कर रहे हैं। भोगनीपुर की चौकी पोखराया के गांव दुर्गदासपुर में आज चौकी इंचार्ज द्वारा एक आरोपी की तलाश में पुलिस गई थी, जिसमें गांव पहुंचने पर वहां एक युवक द्वारा चौकी इंचार्ज और उनकी टीम के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा उस युवक को पकड़ के लाया जा रहा था। इसी क्रम में युवक के परिजन, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी, उसने पुलिस के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और पुलिस के साथ जो है हाथापाई करने की कोशिश की। एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें चौकी इंचार्ज द्वारा महिला के ऊपर दिखाया जा रहा है और उसमें यह लग रहा है कि पुलिस द्वारा महिला के साथ बदतमीजी की जा रही है, लेकिन वह यह फोटो जो है एक अन्य वीडियो से लिया गया है, जिस वीडियो में यह प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि उसमें महिला ने ही चौकी इंचार्ज का कॉलर।